गरियाबंद में धान के तस्करी और अवैध भंडारण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए खडमा और मुड़ा गांव की दो किराना दुकानों से 2930 धान के बोरा जब्त किए हैं। छुरा तहसीलदार राकेश साहू ने स्थानीय पुलिस, खाद्य विभाग और मंडी अधिकारियों के साथ मिलकर मंडी अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की थी। वहीं अधिकारियों ने धान तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई जानकारी आगे सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हम खड़मा के जो लाजपत यादव पिता रघुवीर सिंह यादव हैं, ये किराना व्यापारी हैं। इनके पास 2324 जो बोरी धान अवैध रूप से पाया गया है, इनके द्वारा स्टॉक का मिलान नहीं हो पा रहा है और जो मंडी अधिनियम के तहत जो प्रक्रिया होती है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसको धान को जब्त किया गया है।